हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। यस सर। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने प्रिपरेशंस करी थी नवंबर 23 के लिए, और अब मई 24 में आ गया है न्यू सिलेबस। अब सर, अगर न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, क्या टॉपिक्स है ऑडिट के अंदर सर, इसको लेके बहुत ज्यादा जो है हमें कंफ्यूजन है। तो आज जो हम लोग बेटा डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या जो है टॉपिक्स, कौन से कहाँ कहाँ पे कैसे अपने को रीस्ट्रक्चर करे गए हैं, इसके बारे में जो है हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस का ये जो सिलसिला है, इसके बारे में हम लोग जरा बातचीत करते हैं, ठीक है? चैप्टर वाइज इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में हम लोग इसको स्टडी करेंगे कि कौन सा चैप्टर कहाँ कहाँ पे अपने को ये देखने को मिलेगा, ठीक है? सो ये मेरे सामने जो है आईसीआई के नए मॉड्यूल से, और इसमें मैं आपको बस बता देना चाहता हूं कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे आप ओल्ड मॉड्यूल्स में लोकेट कर सकते हो। सो इंट्रोडक्शन तो ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग, ये ऑल टुगेदर ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ये मतलब बताया गया है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल मीनिंग एंड नेचर, तो ये जो है ये डेफिनेशन है ये। सो ये डेफिनेशन पहले भी हुआ करता था, अभी भी है ये, ठीक है? इसका डेफिनेशन का यहाँ पे एनालिसिस दे रखा है, ठीक है? सो ये एनालिसिस क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन वगैरह, उसके बारे में बात करी है। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग विथ डाइवर्स सब्जेक्ट्स, जैसे हाउ ऑडिट इज रिलेटेड, तो ये हमको उस ओल्ड सिलेबस में भी हम लोग को चैप्टर नंबर 1 में देखने को मिलता है ये, ठीक है? ऑडिट, अकाउंट्स, लॉ, ये सारी बातें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट जो है, ये भी अपने को कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 में ही देखने को मिलता है। ओल्ड सिलेबस जो भी मैं लिख रहा हूं, ये आप समझिए ओल्ड सिलेबस में कहाँ लोकेट कर सकते हो उसकी बात हो रही है, ठीक है? सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस वगैरह। और फिर इसके बाद जो ऐड किया है, ये यहाँ पे इसका एनालिसिस ऐड किया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट का, ठीक है? समरी है ये, स्कोप ऑफ ऑडिट। सो ये भी आपको चैप्टर नंबर 1 में देखने को मिलेगा, इट शुड कवर ऑल दी एस्पेक्ट्स, चैप्टर नंबर 1 में ही है ये स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है? व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, बराबर, ये भी चैप्टर नंबर 1 में ही है। बस थोड़ा कंटेंट जो है ना, लिटिल कंटेंट इज व्हाट एडेड ओवर हियर, लिटिल कंटेंट इज वॉट एडेड ओवर हियर, ठीक है? सो ये अपने को ध्यान में रखना है, बट बाकी तो सेम ही है, स्कोप ऑफ ऑडिट वगैरह। फिर ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है। इनहेरेंट लिमिटेशंस जो है, ये चैप्टर नंबर 1 में ही देखने को मिलेगा अपने को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस के बाद, टाइप्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स, ये चैप्टर नंबर 1 में ही है वापस। टाइप्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स नहीं, ये वाला जो है ये पार्ट आपको नया है, ये एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट वगैरह। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये जो है एडवांटेजेस है ऑफ ऑडिट, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, जो हम लोग इसे चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं, ठीक है? बट इसका जो कंटेंट है, ये कंटेंट इज लिटिल न्यू ओवर हियर, ठीक है? जो कंटेंट है वो थोड़ा अलग है, ठीक है? ये वापस से चैप्टर नंबर 1 में दो टाइप के ऑडिट्स, मैंडेटरी एंड वॉलेंटरी, ये देखने को मिलेगा। हु अपॉइंट्स द ऑडिटर, ये एक जनरल चीज है ये, बराबर है? कौन से ऑडिटर्स, और ऐसे ओवरऑल आप लोगों को वो आइडिया है, कंपनी ऑडिट के इसमें आपने पढ़ा हुआ होगा,
ये भी बातें उम द ऑडिटर रिपोर्ट्स, ये जनरल पॉइंट ये न्यू ऐड हुआ है एंड यस दैट्स इट प्रिटी मच दिस इज व्हाट ऑफ चैप्टर नंबर 1 जो आप लोगों को न्यू सिलेबस में देखने को मिलेगा। गुड है एकदम, कोई टेंशन है इसमें नहीं। फिर चलो भैया आगे बढ़ते हैं, सेकेंड चैप्टर की ओर चलते हैं। सेकेंड चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, इसमें ऐड कर देते हैं अपन। सेकेंड चैप्टर में कौन सी बातें अपने को कहाँ देखने को मिल रही है स्टडी करते हैं। चलो सो प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट, ये जो अपना ओल्ड सिलेबस में चैप्टर था राइट, ऑडिट प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी, सेम चैप्टर है वो। तो वो जो चैप्टर नंबर है मैं आपको बता देता हूँ, पूरा डिटेल एनालिसिस है अपने पास इसको लेके। सो ये भी जो है वो अपना चैप्टर नंबर 2 ही है, बराबर है। सो दिस इज द सेम चैप्टर नंबर 2 में एग्जैक्टली सेम। ये भी अपना बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग, दिस इज एज इट इज चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। फिर नेचर ऑफ ऑडिट ये सेम है चैप्टर नंबर 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कंटेंट इसके अंदर थोड़ा ऐड किया है, कंटेंट इज एडेड इन दिस, ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसे सब जगह ऐड करा गया है कि इसमें आपने की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को ऐड करना है, यू डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद द मैनेजमेंट, ठीक है ऐसा। और ये जो प्लानिंग प्रोसेस है ये वाला जो है ना भाई, ये न्यू है, ये बराबर है। मतलब इसके अंदर पूरा न्यू इन द सेंस न्यू प्लस मतलब ओल्ड है, दोनों चीजें हैं इसके अंदर। कंटेंट न्यू है बराबर है, कॉन्सेप्ट ओल्ड है, तो दोनों को रखते हुए कि प्लानिंग प्रोसेस के दो हिस्से, एंगेजमेंट एक्टिविटीज प्लानिंग एक्टिविटीज, तो ऐसा। तो ये आप इसको न्यू के हिसाब से ही पढ़ना, क्योंकि एज इट इज आपको ये ओल्ड मॉड्यूल में नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट्स मोर और लेस, कॉन्सेप्ट्स मोर और लेस रिमेन वॉट सेम। सो कॉन्सेप्ट मोर और लेस रिमेन वॉट सेम, बट इसको जो प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है ये अलग है, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इंडिपेंडेंस राइट, देन प्लानिंग एक्टिविटीज, ये सब अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है, कंटेंट एक्स्ट्रा है। न्यू कंटेंट एडेड है इसके अंदर, ठीक है। फैक्टर्स टू बी टेकन, ये जो था ये सीए फाइनल में था ये, तो ये यहां पे ऐड कर दिया गया है। सो दिस इज ऑल टुगेदर न्यू, मतलब ये हेडिंग्स थे, हेडिंग्स वर देयर, हेडिंग्स वर देयर, लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन इज एडेड इसके अंदर, लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन इज एडेड, ठीक है। मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सब नया कंटेंट ऐड करा है एग्जाम्पल से ये, ठीक है। सो पहले इधर क्या होता था, ये सिर्फ ये हेडिंग्स होते थे, अब ये और नया कंटेंट जो है इसके अंदर ऐड करा है। सो डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, ये चैप्टर नंबर 2 में ही था ये। नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ रैप फैप अदर प्लान प्रोसीजर्स, ठीक है। ऐसा चैप्टर का नाम सेम है, कंटेंट उसके अंदर ऐड किया हुआ है बहुत सारा, ठीक है। सो द ऑडिटर प्लान्स टू यूज व्हाट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स, ऐसा। फिर
रिलेशनशिप बिटवीन, ये एज इट इज है चैप्टर नंबर टू में, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये भी सेम है, ये चैप्टर नंबर टू में चेंजेस ये सेम है चैप्टर नंबर टू का। प्लानिंग सुपरविजन, यस ये सेम है ये चैप्टर नंबर टू का। डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज सेम चैप्टर नंबर टू में मिलेगा ये कॉन्सेप्ट। ऑडिट प्रोग्राम, यस चैप्टर नंबर टू में सेम है ये। इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम, ये सेम। असिस्टेंट एनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड। पीरियोडिक रिव्यू, सेम टू सेम। हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ऑडिट प्रोग्राम, सेम टू सेम। ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ठीक है। ये न्यू कंटेंट है ये ऑडिट प्रोग्राम को लेके। ये सेम है चैप्टर टू में एडवांटेजेस, एंड चैप्टर टू में ही अपने को देखने को मिलता है डिसएडवांटेजेस। सो दिस इज द सेम कंसेप्ट कंटेंट ओवर हियर। एंड यस ये बात हो गई चैप्टर नंबर टू की। तो चैप्टर नंबर टू में जो है दोस्तों फोकस अपना जो कहां होगा, ऑडिट प्लानिंग को लेके मेनली। उसके अंदर अंदर का कंटेंट बहुत दिया हुआ है, चेंजेस है उसके अंदर। तो अगर आपको चैप्टर नंबर टू पढ़ना है तो वो ध्यान से पूरा उसको इत्मीनान से टाइम देना है, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। बाकी मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट आता है आप लोगों को, थोड़ा उसका अंदर का जो टेक्स्ट है वो पढ़ने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अभी चैप्टर नंबर थ्री की। ये बहुत बड़ा कर दिया है चैप्टर, चैप्टर नंबर थ्री, बट इसके अंदर बहुत ऐसी ऐसी चीजें ऐड करी गई है जो इंडिविजुअली आप अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते थे उसको, ठीक है। सो क्या क्या है आइए जरा देखते हैं। सो ऑडिट रिस्क जो है, आप ऑडिट रिस्क आप चैप्टर नंबर फोर में पढ़ते थे ओल्ड सिलेबस में कि व्हाट इज ऑडिट रिस्क, ठीक है। यही आप चैप्टर नंबर फोर में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पढ़ते थे, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, रिस्क एट टू लेवल्स, कॉम्पोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट चैप्टर नंबर फोर, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ये चैप्टर नंबर फोर में पढ़ते थे आप, ठीक है। चैप्टर नंबर फोर, चैप्टर नंबर फोर, ठीक है। डिटेक्शन रिस्क चैप्टर नंबर फोर, सैम्पलिंग रिस्क आपको पढ़ाया जाता था इन चैप्टर नंबर सेवन ऑडिट सैम्पलिंग, उसके अंदर। फिर ऑडिट रिस्क व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, ये सेम चैप्टर नंबर फोर में आता है ये। असेसमेंट ऑफ रिस्क इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ये तो समरी है, ये भी चैप्टर नंबर फोर में पढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर फोर वो रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल चैप्टर था ना, तो ये यहां पे चैप्टर थ्री है ओल्ड सिलेबस में, इट वॉज चैप्टर नंबर फोर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर नंबर फोर, ये न्यू कंटेंट है कि ऑडिट रिस्क अगर अपने को देखना है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में। सो ये बातें, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, और ये जो है इसका ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड, ये न्यू कंटेंट है ये। मटेरियलिटी, ये आप ऐसे 320 पढ़ते हो ये, तो दिस मटेरियलिटी जो है टॉपिक
ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में मिलता था, ओल्ड सिलेबस में, एंड में, चैप्टर नंबर 2 में ही था ना ओल्ड सिलेबस में, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑडिट मॉड्यूल 1, चैप्टर नंबर 2 के एंड में मिलता था वो, मटेरियलिटी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ठीक है। सो वो कॉन्सेप्ट है। तो ये पूरा ऐसे 320 वहां पे आपको मिलता है, ये बेंचमार्क, फाइनेंशियल डेटा, रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी ऐसा, एंड डॉक्यूमेंटिंग। फिर ये आपको मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, ये कॉन्सेप्ट पहले से है, ये बस ये आपको मिलता है चैप्टर नंबर 4 में ओल्ड सिलेबस में, हाउ मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क का रिलेटेड। दिस इज अगेन ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी रिस्क असेसमेंट, चैप्टर नंबर 4 में। और इसका जो है ये यहाँ पे एडिंग्स के साथ साथ अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी ऐड करा हुआ है, ये पहले से था ये नेचर, बट ये एक्सप्लेनेशन ऐड करे हुए, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स है उसके, बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी सिग्निफिकेंट सेम, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये पढ़ लोगे। फिर यहाँ पे रिस्क असेसमेंट वाला पार्ट खत्म होता है, चैप्टर नंबर अपना ओल्ड सिलेबस का चैप्टर नंबर 4, जो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3, इंटरनल कंट्रोल, वापस से ये चैप्टर नंबर 4 का ही हिस्सा है, डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो अभी सेम है उसको टिक करते जाता हूं मैं, बट प्रेजेंटेशन इस चैप्टर का पूरा अलग है। ये मतलब मेनी कंटेंट्स इसके ऊपर कमेंट क्या करेंगे, मेनी कंटेंट, कंटेंट लिखने से मेनी टॉपिक्स आर सेम, बट वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज व्हाट डिफरेंट, इसको प्रेजेंट करने का तरीका जो है अलग दिया गया, बाकी सेम है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल कंट्रोल, इसके डेफिनेशन से क्या है, बेनिफिट्स, लिमिटेशन, ये सब सेम है, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वो पिरामिड बना के वो 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे अपन ने, सेम। फिर ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये तो ये पहले भी था, ये अभी भी है, ये कंट्रोल एनवायरनमेंट, ये सब सेम है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कंट्रोल एक्टिविटीज, ऑल पॉइंट्स आर सेम, ठीक है। और ऑल कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट, ये भी सेम आपको चैप्टर नंबर 4 में ही है, ये कंट्रोल्स ओवर कंप्लीटनेस चैप्टर नंबर 4, इंटरनल कंट्रोल, ये हम लोग कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट ढूंढने के लिए हमने बात करते थे, ये चैप्टर नंबर 4 के ही है। ये रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन चैप्टर नंबर 4, सिग्निफिकेंट रिस्क 4, ठीक है। नाउ इवेल्यूएशन, ये भी चैप्टर नंबर 4 में है, बेनिफिट्स ऑफ इवेल्यूएशन, ये सेम टू सेम है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम है ये। ये क्वेश्चन है, ये तो उसका सल्यूशन है, ये दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन ऐड करा हुआ है कि फॉर्मुलेट ऑडिट प्रोग्राम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल्स,
ये भी आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया जाता है, ये चेकलिस्ट, नरेटिव रिकॉर्ड, फ्लो चार्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर, एक्सप्लेनेशन है इसका। टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओल्ड सिलेबस का चैप्टर नंबर 4। व्हाट इज ऑटोमेटेड, अभी ये होने के बाद व्हाट इज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये जो है चैप्टर नंबर 6 है आपका। मतलब क्या किया इन्होंने अभी, आपको बस बताया ना कि चैप्टर्स कम है, तो वो बोलते पागल है क्या, अभी ये चैप्टर नंबर 6 कर दिया आपका। ये चैप्टर नंबर 6 ओल्ड सिलेबस पूरा सेम, पूरा सेम। पूरा सेम टू सेम, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ये पूरा सेम है। जनरल आईटी कंट्रोल्स, एक्सचेंज चेंज, ये वो सब, टेस्टिंग मेथड्स, एवरीथिंग इज सेम। फिर ये हो गया डेटा एनालिटिक्स, नहीं ये भी था, डेटा एनालिटिक्स भी था उसका शॉर्ट डेफिनेशन। फिर ये जो है दिस डिजिटल ऑडिट इज न्यू, ये नया है, ये आपको पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक है बट सही है। डिजिटल ऑडिट मतलब क्या होता है कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब आप ऑडिट करते हो, तो ऐसे केस में आप कैसे ऑडिट करोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके, तो बस एक छोटा सा इसका ये पार्ट यहाँ पे ऐड करा है, डिजिटल ऑडिट, ठीक है। फिर ये IFC और इसके डेफिनेशन है, ये तो पहले भी था ये सेम। डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क, ये अपना है एसे नंबर 330, जो हम लोग एसे में पढ़ते थे ये, ठीक है। सो ये आपको स्टैंडर्ड में मिलेगा कंटेंट इसका, एसे नंबर 330 का। और इसमें अगर है तो ये आपको चैप्टर 3 ऑडिट एविडेंस वाले पार्ट में इसकी बात होती है, ठीक है। सो रिस्क एट टू लेवल्स, असर्शन लेवल वगैरह, सो हाउ द कंट्रोल्स वर अप्लाइड, बाय हुम दे वर अप्लाइड, टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेंड इन प्रीवियस ऑडिट्स, ये ऐसे 330, इवेल्युएटिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, इंक्वायरीज बाय ऑडिटर, ये सब आपको फिर ये जो कंटेंट है ये किधर मिलेगा, ये चैप्टर नंबर 3 में। तो इसके अंदर पूरा ये चैप्टर 3 का भर दिया, ये कौन सा पार्ट, ऑडिट एविडेंस वाला पार्ट, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस दो पार्ट है ना, तो ये एविडेंस वाला पार्ट का यहां पे डाल दिया ये। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, असर्शंस, ठीक है। सो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है ये चैप्टर का। सो अगर आप इसमें आके भी और एक ओवरव्यू भी अगर आप देखो, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड हुई है, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि ऑटोमेटेड कंट्रोल, डिजिटल ऑडिट, तो ये इधर भी आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या कंटेंट ऐड हुआ है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो बेटा चैप्टर नंबर 5 है, तो वो चैप्टर नंबर अपना जो 9 है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो। और अब इसमें ऑडिट एविडेंस में
इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऐड कर दिए, ठीक है। तो अभी इसके अंदर क्या करा, वापस से ऑडिट एविडेंस, अभी ये जो है अपना चैप्टर नंबर 3, इसमें का कुछ हिस्सा यहाँ पे बोल दिया, मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस चैप्टर नंबर 3 और SA 500, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस में क्या क्या बातें आती है, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये सेम है। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, दिस इज सेम, बट इसके अंदर कंटेंट इज व्हाट एडेड, रिलायबिलिटी सेम है, रिलेवेंस रिलायबिलिटी, ठीक है। ये जो इधर है, दिस इज रिलायबिलिटी क्राइटेरिया कि विच एविडेंस इज मोर लेस, ऐसा सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चैप्टर नंबर 3, डिफाइन व्हाट इज सफिशियंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस, ठीक है। ये भी चैप्टर नंबर 3 का है, सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये भी चैप्टर नंबर 3 में ऐसे ही सेम आपको हेडिंग मिलेगा, ऑडिट प्रोसीजर्स चैप्टर नंबर 3, व्हाट इज इंक्लूडेड, इसका जो मेमोरी टेक्निक अपन पढ़ते थे OICI, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, चैप्टर नंबर 3 ऑडिट एविडेंस, ये चार्ट आपको दिखेगा, ये कि आपने पढ़ा हुआ ही है। असर्शंस चैप्टर नंबर 3, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असर्शंस, ये सेम टू सेम है, ये ऐसा ही आपको टेबल देखने को मिलेगा वहां पे। ऑडिट ट्रेल, दिस कॉन्सेप्ट इज न्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट ट्रेल मतलब कॉन्सेप्ट पुराना है, बुक में ऐड हुआ है। इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस, न्यू, ये कंटेंट पूरा न्यू ऐड किया है, सैम्पलिंग वगैरह से ऐड करा है इसके अंदर, सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स, न्यू न्यू ऑडिट सैम्पलिंग आपको पता है, बट ये पूरा कंटेंट जो है ये नया है, मतलब अलग है ये। ये मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट, ऑडिटर्स एक्सपर्ट, तो इसके बारे में मॉड्यूल में कुछ ये एसेज में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। फिर ये SA 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, अभी यहां से आगे जो है ये स्ट्रेट वे एसे से, मतलब चैप्टर्स में ही अभी एसे डाल दिया ये, तो ये पूरा पूरा ऐसे, मतलब आप ये इंटरनल ऑडिट क्या होता है उसका फंक्शन, तो ये आप चैप्टर नंबर 4 में, ये उसके जो एक्टिविटीज है ना, ये एक्टिविटीज चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ते हैं उसको, गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट वगैरह ऐसा ही है। बाकी तो ये फिर आपका पूरा का पूरा आपको स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ता है SA 610। ये पूरा स्टैंडर्ड है वो, तो कोई उसमें दिक्कत ही नहीं।
डायरेक्ट असिस्टेंस वगैरह वैसा। ये जो है आपका चैप्टर था चैप्टर नंबर 7 ओल्ड सिलेबस में, ऑडिट सैम्पलिंग वैसे का वैसा डाल दिया इधर चैप्टर 7। इधर अभी वो सैम्पलिंग ऐसा बताया है इसको, बट वो क्या था, वो चैप्टर था वो। तो ये पूरा स्कोप सैम्पलिंग वो चैप्टर नंबर 7 आपका इधर आ गया वो। चैप्टर ही डाल दिया ना इसलिए इतना चैप्टर बड़ा दिखता है, डरने का नहीं। फिर ये SA501 ये आपको मिलता था चैप्टर नंबर कौन सा था अपना 3 में, SA501 चैप्टर नंबर 3 में था ना वो उधर। ये पूरा SA501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशंस लिटिगेशन क्लेम इन्वेंट्री एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन। तो ये SA501, फिर ये भी आपको चैप्टर नंबर 3 ऑडिट एविडेंस में मिलता था सेम टू सेम SA505 505। ठीक है, फिर ये SA510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ये भी आपको चैप्टर नंबर 3 में। ओके okay. रिलेटेड पार्टीज SA550 चैप्टर नंबर 3, बट ये जो है थोड़ा डिटेल में दिया है। ठीक है, सब पढ़ा हुआ है वो सेम वैसा। एनालिटिकल प्रोसीजर वॉज योर चैप्टर नंबर 8, इंस्टीट्यूट ने बोला बेटा अभी इसमें ही पढ़ ले तू, तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर 8। और फिर वो चैप्टर अपना खत्म हो जाता है ये। सो ये ऐसा वो कंटेंट था। सो दिस वॉज मॉड्यूल अपना कौन सा, मॉड्यूल 1 एज पर न्यू सिलेबस। क्लियर है एकदम? चैप्टर नंबर 5 तो चैप्टर नंबर 9 ही है अपना। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 ओल्ड सिलेबस का कंपनी ऑडिट, अब वो नहीं रहा इस दुनिया में। फिर मॉड्यूल 2 पे आते हैं। और मॉड्यूल 2 में देखो ये जो चैप्टर नंबर 6 है वो आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर नंबर 3 है। ये दिस इज योर चैप्टर नंबर 3। दिस इज चैप्टर 3 ऑफ ओल्ड सिलेबस। क्लियर, दिस इज योर चैप्टर नंबर 3 ऑफ ओल्ड सिलेबस। ठीक है, तो इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। अब ये कंप्लीशन एंड रिव्यू में इन्होंने क्या करा है,
अलग अलग इसके अंदर स्टैंडर्ड्स ऐड कर दिए। अभी पुराने चैप्टर्स से वगैरह ऐसा इसका कुछ ये नहीं है, ठीक है ना। सो अभी इधर क्या करा है, कहाँ गया भाई ये? तो ये चैप्टर नंबर 7 जो है, अभी इसके अंदर सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो है, तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स आपको चैप्टर नंबर 3 ऑफ ओल्ड सिलेबस, गोइंग कंसर्न चैप्टर नंबर 3 ऑफ ओल्ड सिलेबस, ये तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे, ये मतलब दिस इज SA 450, तो ये ऐसे के लिए पढ़ना पड़ेगा। मतलब सिलेबस में, मतलब टेक्स्ट बुक में, मॉड्यूल में ये न्यू है। मीनिंग ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन, अगेन चैप्टर नंबर 3 SA 580, और ये जो है ये वाली इतनी बातें, ये दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है। तो ये SA 260 और 265 ये न्यू ऐड किया है इन चैप्टर्स। ऐसे तो आप ये स्टैंडर्ड्स तो पढ़ते ही हो बराबर के नहीं। सो दिस इज अगेन व्हाट न्यू ऐड इन चैप्टर। ऐसे तो आप स्टैंडर्ड में इसको पढ़ते ही हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यही है इसको पूरा, सब्सिक्वेंट इवेंट्स कैसे डिफाइन किया है, यही सब बात है इसके अंदर, ठीक है। सो कंप्लीशन एंड रिव्यू में ये बार, मतलब ये बातें, ये वाला फोकस रखना, ठीक है ना। नो मार्किंग्स, आए तो जो भी है ये यही है, ये ठीक है। सो दिस इज द समरी, ये पूरा इसमें न्यू आया है, चैप्टर नंबर 333, ये कहाँ ऐसे अलग अलग है। फिर व्हेन वी कम टू चैप्टर नंबर 8, ऑडिट रिपोर्ट। अभी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या बोला है, चैप्टर में देखो कंपनी ऑडिट डिलीट हो चुका है, बट अब इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि ऐसे 700, 701, 705, 706 एंड 710, ये एज इट इज है, ये इधर तक है ये, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको ऐड किया, मतलब दिस रिमेन्स द सेम, ये आपका रहेगा ऐसे, ये ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर है, ये आपका ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर जो अपना ओल्ड सिलेबस में था, चैप्टर नंबर 11। फिर दिस वापस से आप ये 600 जो है, ये आप ऐसे नंबर 600, ये न्यू ऐड हुआ है, ये आप वापस से न्यू, ये ड्यूटीज अंडर कंपनीज एक्ट, या आप कंपनी ऑडिट में पढ़ते थे आप, ये भी आप कंपनी ऑडिट में पढ़ते थे ये, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट नहीं है अभी, और ये मतलब ऐसे में पढ़ते थे न्यू इन चैप्टर्स, ठीक है ना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सो आप वो बाकी सब पढ़ते थे, ऐसे में आप पढ़ते थे इसको 299 को, ठीक है, 600 को, तो इसको आप पढ़ते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टूड। सो ऑडिट रिपोर्ट में ये है बस, ये कारो और ये वो सब चीजें अलग से आप कंपनी ऑडिट में पढ़ते थे, अब वो उन्होंने इस चैप्टर में डाल दिया इसको, ठीक है। बाकी जो है चैप्टर नंबर 9
एज इट इज है, चैप्टर नंबर 10 एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी, क्लब, सिनेमा, LLP, वो सब सेम है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो सेम है, ऑडिट ऑफ बैंक्स सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड चैप्टर नंबर 11 जो है ये एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, तो भाई इसमें ऐसे 210, 220 और SQC 1 जो है, तो ये सब हम लोग चैप्टर नंबर 1 ऑफ द ओल्ड सिलेबस में पढ़ते थे। ये किधर पढ़ते थे अपन इसको, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 11 जो पढ़ रहे हैं हम लोग, वो 11 में दिया हुआ है उन्होंने, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर, ठीक है ना। बट उसका कंटेंट पूरा नया है, तो जो May 24 की जो बैचेस शुरू हुई है उसमें मैंने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया है, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 1 कराया, उसके बाद चैप्टर नंबर 11 किया है, तो आप वो बैक टू बैक अगर देखोगे तो आपको मिल जाएगा उसका, ठीक है। सो इसमें कुछ नया नहीं है, ऐसे 210 जो आप लोग चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ते थे, 220 और SQC 1, जिसमें SQC 1 का कंटेंट जो है हम लोग ये चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ते थे, ठीक है। तो ऐसा ओवरऑल सिलेबस का ये बाइफर्केशन है, ठीक है। ये जो भी मैंने क्या बोलते हैं ये मार्किंग्स किए हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर कर रहा हूँ, सो दैट आपको पता चले कि एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेस है, वो हिसाब से आप लोग जो है आपकी प्रिपरेशंस स्टार्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि इससे जो है एक कंपेरेटिवली जो आपका कन्फ्यूजन है वो कम हो गया, ठीक है, और अब आप अच्छे से पढ़ाई को बैठ सकते हो। इसका सिस्टमेटिक फॉर्म जो है उसके अपने नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, तो अगर आपको मॉड्यूल से नहीं पढ़ना है और एक सर सिस्टमेटिक पैराग्राफ पॉइंट फॉर्म में विथ क्लियर कट डिस्टिंग्विशिंग ऑफ द टॉपिक्स, तो आप बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो, दैट्स इट। अदरवाइज मॉड्यूल जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय।